पे मंडी में जितने भी हैं सब यहाँ पे आते हैं खाने। ये तो सब होटल तो भारी है नहीं मंडी में। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और पीछे का बैकग्राउंड देख कर समझ में आपको आ गया होगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी हूँ पटना का सबसे बड़ा मंडी जो है फल मंडी, वहाँ पे हूँ। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, क्या मतलब होलसेल दाम पे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अनार हो, सेब हो, पपीता हो, जो भी हो चाहिए आपको मिलेगा होलसेल रेट में। और इसी होलसेल मंडी के अंदर मैंने एक छुपा हुआ है हिडन जेम, जहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाला है क्या मटन और पराठा या मटन चावल जो बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं और करते हैं अपने इस हिडन जेम को एक्सप्लोर। और साथ में पहले फिलहाल खाएंगे एक सेब, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं एन एप्पल अ डे किस डॉक्टर अवे। चलिए खाते चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस हिडन जेम को, जहाँ मिलता है क्या मटन और पराठा, मटन चावल, मटन पूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये है केला मंडी, मतलब यहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा ढेर सारा ट्रक, पूरा केला का मंडी है। और ये देखिए बड़े बड़े ट्रक पे केला लगा हुआ है। सामने है शॉप नंबर 45 और ठीक सामने निकलता है गली रास्ता, उसके जैसे राइट मुड़ेंगे ना आप तो आपको मिलेगा वो, थोड़ा गली के अंदर में है, तो इसलिए गूगल मैप का लिंक जो डाल दूँगा इसमें। और ये फाइनली पहुँच गए हम उनके पास। तो गाइज फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है मुच्छू का होटल। जी हाँ, मुच्छू का होटल। और चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको ये ढाबा कैसा है, एक खाना दिखाएंगे आपको, कुछ बातें करेंगे, ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो गाइस जब जैसे ही पहुँचेंगे ना, आपको कुछ ऐसा दुकान दिखेगा, पूरा झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर में लोग जो है खा रहे हैं क्या मटन और चावल, साथ ही साथ मिल रहा है यहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों का आइटम यहाँ पे। ये देखिए ये जो है इनका बहुत नया तरीका है, ये बन रहा है यहाँ पे सत्तू पराठा। और ये देखिए बिल्कुल जो है ना तवे पे नहीं है, ये कढ़ाई में बन रहा है इनका, मतलब कढ़ाई वाला सत्तू और पराठा। साथ में इधर देखेंगे तो ये है भूंजा हुआ मछली, इसमें मटन है। भैया को मटन दिखाइए है क्या, तो ये देखिए गाइस ये जो है ये है यहाँ का मटन, ये है यहाँ का मटन, वाह और बहुत स्वादिष्ट देखने में लग रहा है ये। साथ ही साथ इसमें है जो है, इसमें ये है फिश, क्या प्राइस है फिश का, वेज के लिए है सब्जी, चावल और ये भुजिया। तो गाइज यहाँ पे कुछ कस्टमर खा रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। सर सर क्या नाम है सर आपका, नौशाद आलम। और क्या सर फीडबैक क्या इस जगह का, फीडबैक खाना यहाँ अच्छा रहता है, मटन या फिर सादा खाइए, सादा का प्राइस है 50 रुपये और मटन चावल का 70 रुपये। और टेस्ट बहुत अच्छा है मंडी में, यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे है बहुत अंदर में, मतलब बहुत दूर चल के आना पड़ता है, अंदर में है और एक तरह का है तो हिडन जेम है, लेकिन भीड़ देख के लग रहा है कि बहुत लोग जानते हैं इस दुकान के बारे में। हाँ, यहाँ पे मंडी में जितने भी हैं सब यहाँ पे आते हैं खाने। हाँ, और ये होटल का टेस्ट बहुत अच्छा है। और आपने क्या वैसे ऑर्डर किया है, हमने ये चावल ऑर्डर किया और मटन ऑर्डर किया। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे और सत्तू रोटी है, आलू रोटी है, सब्जी है, सादा खाना जो आपका दिल करे, मतलब नॉन वेज के लिए भी है और वेज के लिए भी, और एक चीज बहुत अच्छा लगा मुझे देख के ना कि चावल के साथ, मतलब नॉर्मली आपको हर जगह पे क्या मिलेगा, मटन के साथ क्या मिलेगा, चावल या रोटी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिट्टी भी है, पूरी भी है, सत्तू का पराठा भी है, मतलब आलू का भी पूरी है, आलू का भी पूरी है, पराठा दोनों है, मतलब आपको आपको क्या खाने का अच्छा है उस पर डिपेंड करता है और वो चीज आपको मिलेगा मटन के साथ। चलिए फटाफट करते हैं ऑर्डर और करते हैं टेस्ट, बताते हैं फिर यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो गाइज फाइनली जो है ना हमारा प्लेट जो है वो आ चुका है, हमने ऑर्डर किया है मटन, एक पीस मैंने ऑर्डर किया है यहाँ का फिश फ्राई, चावल है और ये है सत्तू का पराठा, आई थिंक सत्तू का पराठा ये है, ठीक है, ये थोड़ा चर्बी वाला पीस है, चर्बीदार पीस है ये प्रॉपर तरीके से गला हुआ और ग्रेवी बहुत शानदार दिख रहा है, ये डिप किया मैंने ग्रेवी में और
बहुत लाजवाब। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि ये स्वाद ये टेस्ट मुझे यहाँ मिलेगा। मैंने एक जगह ट्राई किया था मटन, विजय मटन, ऑलमोस्ट तो बहुत नहीं कहूँगा कि बहुत अलग सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगी उसके टेस्ट का। बहुत शानदार चर्बीदार पीस है और अच्छी तरह पका हुआ है। साथ में आपने देखा कि किस तरह से बनाते हैं ये अपने यहाँ का सत्तू पराठा। तवे पर नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं कढ़ाही पे। ये मटन देखिए बिल्कुल गला हुआ मटन है, बिल्कुल सॉफ्ट मटन, टूट गया बिल्कुल अच्छे तरीके से और डिप किया और चटनी बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टेस्ट का है। हल्का मसाला यूज़ किया गया है और हल्का सा अपने स्पाइसीनेस है, हल्का सा। चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का फिश फ्राई। एक घंटा से आवाज़ बहुत मिलेगा आपको क्योंकि मंडी है, ये फल की मंडी है, बहुत बड़ा मंडी पटना का, बहुत बड़ा फल का मंडी है। तो लोग यहाँ पे दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, जो लोकल शॉप ओनर भी है वो भी यहाँ खाने के लिए आते हैं, जो दूर से शॉपिंग करने के आते हैं वो भी खाते हैं। तो आवाज़ बहुत मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए फिश फ्राई और क्या कहना इनके बारे में, प्रॉपर क्रंची, अंदर से एकदम गुलगुला सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार। जो लोग टेस्ट के दीवाने हैं उन्हें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए इस दुकान में। दुकान का नाम क्या है? मुच्छू ढाबा। तो यहाँ का एड्रेस है वो डाल दूंगा बॉक्स में, टैप करके पहुँच सकते हैं क्योंकि काफ़ी अंदर में है ये, लेकिन मस्ट ट्राई मटन यहाँ का, बहुत शानदार। तो गाइस फाइनली जो है ना हम लोगों ने अपना मटन जो है ट्राई कर लिया। मटन का टेस्ट बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया टेस्ट था मटन का, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा प्लेस जो है ना वो अनहाइजीनिक, क्योंकि सब्जी फल मंडी है ना, तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा अनहाइजीनिक दिख सकता है वो चीज़ को। और दूसरा बात कहना है थोड़ा सा बिहेवियर मुझे होता ना कि जो अंकल आंटी है सब बूढ़े हो गए, इस कारण से वो उनका बिहेवियर होता है ना, चिड़चिड़ापन वाला बिहेवियर होता है वो आ गया है। तो अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं और आप टेस्ट के दीवाने हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। मतलब आप सच में आओ यहाँ पे ट्राई करो, आप खुश हो जाओगे क्या मटन खा करके, टेस्ट बहुत लाजवाब है। हाँ वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ अवॉइड कर सकते हैं आप चाहें तो, बाकी का टेस्ट मुझे बढ़िया लगा। 10 out of 10 देंगे आपको टेस्ट में। पराठा बहुत शानदार था यहाँ का, मटन बहुत शानदार था यहाँ का, और सब कुछ ऑल ओवर गुड था। प्राइस बहुत जेन्युइन है, मतलब अगर आप चावल मटन खाइएगा तो आपको 80-100 रुपये में हो जाएगा, बढ़िया। चलिए मिलते हैं आपको एक नई जगह पर नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।